प्रेजेंट टाइम में पीएम लखनऊ श्री सुल्तान दरबार साहब हम लोगों के साथ हैं, और मैं ज़्यादा समय ना आपका लूंगा और ना सर का लूंगा। मैं चाहूँगा कि जो बातें भी आपसे करने आए होगा। ग्रेजुएशन किए हैं आपका विजडम प्लान के लिए। अच्छा, कितने अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी तक अपने दुकान पर से? सभी बच्चे यहाँ मौजूद हैं वो 18 वर्ष के आगे बात कर रहे होंगे, या कोई 18 वर्ष से कम है? आप करा करो जो 18 वर्ष से कम है, लेकिन वो भी जल्दी 18 वर्ष के होने वाले होंगे। देखो, आप सभी लोगों को ये जानकारी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उसमें राइट टू वोट एक होता है, और उसके लिए हमें वोटर बनना जरूरी होता है। तो कितने लोग यहाँ जो बैठे हैं वो वोटर नहीं हैं आज की डेट में, वो हाथ खड़ा करें जरा। बाकी लोग वोटर्स हैं, जरा वोटर्स हैं वो हाथ खड़ा करें। काफी लोग हैं और कई लोग नहीं। तो 1 जनवरी 2024 ये पात्रता की तिथि है, जो वोटर बन सकते हैं। अभी जो करंट वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है, तो आप लोगों के लिए हमने यहाँ पर व्यवस्था की है। अभी सबको फिजिकल फॉर्म भी मिल जाएगा, तो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी अपेक्षा ये रहेगी कि आप सब लोग आज ही ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करें। तो यहाँ पर हमारे एसडीएम साहब मौजूद हैं, जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे, कौन से दस्तावेज आपके लगेंगे उसमें वो बताएंगे। और बड़ी सिंपल प्रक्रिया है, फॉर्म 6 के माध्यम से नए लोग अपना वोटर रजिस्ट्रेशन करते हैं, और अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी दूसरी विधानसभा में वोटर बना हुआ है तो वो फॉर्म 8 का यूज करके अपनी विधानसभा को चेंज करा सकता है। ये दोनों ही प्रक्रियाएं ऑनलाइन हैं और दोनों बहुत सिंपल हैं। आप लोगों के लिए ये सिंपल होंगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। कितने बच्चे हैं ऐसे हैं जो मोबाइल जिनके पास नहीं है जिससे वो कर पाए? ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपका दिन आज कल नहीं कटता होगा, क्योंकि अभी सभी बच्चों की जरूरत हो गई है। और आप लोग मोबाइल का यूज तो करते हैं, लेकिन एक मैं नसीहत भी दूंगा कि इसका सकारात्मक यूज ही करें। आपके पास समय लिमिटेड है और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने समय को और कंस्ट्रक्टिव यूज भी करें। लेकिन अभी आज सभी बच्चों से मेरी अपेक्षा है कि आपको फॉर्म भरेंगे, फॉर्म 6 या फॉर्म 5। जो लोग वोटर्स हैं ऑलरेडी, वो लखनऊ के बाहर भी कितने वोटर्स हैं वो हाथ खड़ा करें, जिनका वोट लखनऊ के बाहर भी आने लगे। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि अब जो इलेक्शन कमीशन की नई गाइडलाइंस है उनके मुताबिक वोटर लिस्ट का रिवीजन हर साल 4 बार होता है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। तो कोई भी व्यक्ति अपना वोटर लिस्ट में नाम शिफ्ट कराना चाहता है तो ये अब बहुत आसान हो गया है। तो सामान्यतः हमको वहीं पर वोटर रहना चाहिए जहां हम इलेक्शन के समय वोटर रहेंगे, या जहां हम 6 महीने से ज़्यादा रहने लगे हैं वहां पे हमें अपना वोटर कार्ड शिफ्ट करा लेना चाहिए। फॉर्म 8 भरिए, इससे आपका मान लो कोई बहराइच का रहने वाला है, बहराइच को तो कोई बहराइच का रहने वाला है वो उसने अपना वहां वोटर कार्ड बनवा लिया, लेकिन अब आपको यहाँ पर शिफ्ट कर लीजिए लखनऊ में, फॉर्म 8 भरिए, यहाँ
जब शिफ्ट कर लेंगे फिर मान लीजिए आपको 6 महीने बाद 8 महीने के बाद में वहाँ वापस जाना है या कहीं दूसरे जिले में आपकी नौकरी लगती है वहाँ जाना है, तो अपना वोटर कार्ड भी या वोटर लिस्ट में नाम भी वहीं पे शिफ्ट कर लीजिए। तो अब ये क्योंकि बहुत आसान हो गया है, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, आपको कहीं जाना नहीं है, अपने आप वोटर कार्ड नया आपके नए एड्रेस का प्रिंट होके आपके एड्रेस पे पहुंच जाता है, तो आपको ये कर लेना चाहिए। तो अभी कितने बच्चे करेंगे? अच्छा, कितने लोग कम्पिटिटिव फॉर्म अपने आप भरते हैं और कितने लोग दूसरों से भरवाते हैं? कम्पिटिटिव फॉर्म जो दूसरों से भरवाते हैं आज का में, एक स्टूडेंट, आप दोनों लोग एक एक फॉर्म भरो और उसे डिस्प्ले करो दूसरे लोगों के सामने, यही है प्रोजेक्टर। हाँ, इस पे आ जाओ, इसी तरह क्या नाम? एक कैरेक्टर का पासवर्ड आपको चूज करना होगा और कहिए देखते हैं अभी कितने लोग यहाँ ऑनलाइन भरवाते हैं, ये भी आपकी कैपेबिलिटी की एक परीक्षा है। पहले अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर जो अभी आपके पास हो, क्योंकि उसको ओटीपी आएगा बाद, तो आप जब अप्लाई कर देंगे इसके बाद वेरीफाई होके आपके पास ये पहुंच जाएगा। आपका है ना? अभी कर जाए जिन बच्चों का ऑलरेडी फॉर्म किसी ने ले लिया है, वो लोग भी अपना फॉर्म यहाँ पे भर देंगे। फिजिकल फॉर्म भर रहे हैं अगर, तो उसके ऊपर ये बात लिख देंगे कि बीआरओ के द्वारा उनका फॉर्म पहले से ले लिया गया है, हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, डुप्लीकेट किसी रूप में नहीं बनेगा, तो निश्चिंत रहे उसके बारे में। आप लोग फॉर्म भर दीजिए अगर पहले दिया हुआ भी है, 3-4 महीने हो गए हैं तो। कितनी हो गए ना, बड़ी जल्दी कागज पे आ जाता है। जो सबकॉन्शियस माइंड में होता है वो कई बार आपको लगता है कि अरे अभी तो याद आ रहा था, कुछ कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, यू आर नॉट वेरी पर्टिकुलरली कैचिंग दैट थिंग, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में है कि कुछ पढ़ा हुआ तो है लेकिन यू आर नॉट एबल टू रिकॉल एट दैट मोमेंट। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बहुत लंबा समय हो जाता है, तो लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स उसके ऊपर जम गई, तो वो नॉलेज जो प्रीवियस नॉलेज थी वो कहीं बक्से में बंद हो जाती है, वो अनकॉन्शियस में चली जाती है, उसको जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक वो रिकॉल नहीं होती। तो ये अलग अलग लेयर्स हैं, तो आप जैसे साइकोलॉजी समझते हैं तो उसमें मेमोरी, फॉरगेटिंग, देन रिकॉल, ये सब चीजें आती हैं। ये सब बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, आप सब लोगों को भी जो साइकोलॉजी नहीं भी पढ़े हैं उनको कंपेटिटिव एडवांटेज लेने के लिए ये 3 टॉपिक साइकोलॉजी के जरूर पढ़ने चाहिए। एक है लर्निंग, दूसरा है मेमोरी, तीसरा है फॉरगेटिंग। ये अगर टेक्निकल नॉलेज आप लोगों को पता लग जाती है कि क्या प्रोसेस होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे डाला जाता है,
तो आप बहुत इफेक्टिव लर्नर हो जाते हैं और जब आप उसको प्रोड्यूस करते हैं आंसर के फॉर्म में तो वो अच्छा आंसर निकल के आता है। आंसर राइटिंग में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो तीन चीजें याद रखो। नंबर वन, जो क्वेश्चन है उसको आप ढंग से समझ लो। क्वेश्चन में जो फोटो तो क्लिक करवा लिया।